तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जितने भी नए सिंगर होते हैं, नए कलाकार होते हैं, उसको इतना जल्दी फिल्म में मौका कैसे मिल जाता है? आखिर क्यों मिल जाता है? ये बात आप लोगों को पता है, पता होगा ज़रूर। शायद आप लोग भी कन्फ्यूज होंगे इस बात से कि आखिर उनको इतने जल्दी फिल्म में मौका कैसे मिल जाता है और आखिर को क्यों नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम और आप जितने भी होते हैं और उनसे भी टैलेंटेड इंसान होते हैं, उनको इतना जल्दी फिल्म में मौका क्यों नहीं मिलता है? और इतने जल्दी जैसे नए सिंगर होते हैं, नए कलाकार हो, उनको क्यों इतने जल्दी मौका मिल जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे खास बात हम आप लोगों को बताएंगे जो कि दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि दोस्तों आखिर क्यों उनको मौका मिल जाता है फिल्म में इतना जल्दी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जैसे कि आम इंसान हो गया और नए कलाकार हो गया। नए कलाकार में आम इंसान में क्या फ़र्क है? जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जितने भी नए कलाकार होते हैं उसको कैमरा फेस करना पहले से ही आता है, और नए कलाकार होते हैं उनको ना ठीक से एक्टिंग आता है, ना ठीक से एक्टिंग करना जानता है। और जो कलाकार होते हैं, यानी कि जो नए सिंगर होते हैं, उसको जो है कैमरा का फेस करने का आदत बन जाता है, यानी कि उसको एक्टिंग करने का शौक पहले से ही होता है और एक्टिंग करना सीख जाते हैं धीरे धीरे। उसको कोई एक्टिंग क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कैमरा से जब वो गाना रिकॉर्डिंग करते हैं उसी समय उसको एक्टिंग इतना करवाया जाता है कि दोस्तों वो कुछ दिन चलता है और जब हिट हो जाता है तो दोस्तों वो एक्सपर्ट हो जाता है एक्टिंग में, यानी कि दोस्तों उसको एक्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और आम इंसान चाहेगा कि मुझे भी अगर फिल्म में मौका मिल जाए तो दोस्तों उसको एक्टिंग क्लास पूरा करना पड़ेगा, यानी कि एक्टिंग कोचिंग में उसको जाना पड़ेगा, उसको एक्टिंग क्लास करना पड़ेगा, तब जाके एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो भी अगर एक्टिंग सीख जाए तो शायद फिल्म में जा सकता है। और दोस्तों सिंगर की बात करें तो दोस्तों उसके साथ पहले से ही टैलेंट रहता है और दोस्तों उसको जो है एक्टिंग ऑटोमेटिक ही कैमरा के वीडियो बनाते बनाते ही उसको एक्टिंग सीख में समझ में आ जाता है उसको एक्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों इसीलिए सिंगर को मौका जल्दी मिल जाता है कि फिल्म में काम करने का, और उसको पब्लिक पहले से ही ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों ये बात आप लोग भी जानते होंगे, नए सिंगर को क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नया बंदा फिल्म में काम करने जाता है तो उसको पब्लिक यानी ऑडियंस उसको नहीं पहचानता है, ऑडियंस उसको नहीं जानते हैं अच्छी तरह से आखिर ये कौन है। और जानते हैं जैसे हमारे नए कलाकार ने, जैसे कि सिंगर जाते हैं पहले अगर फिल्म करने तो दोस्तों उसको ऑडियंस पहले से ही जानते हैं, तो दोस्तों उसका फिल्म काफ़ी ज़्यादा चलने का भी चांस रहता है और डायरेक्टर को भी वही पसंद आता है। आखिर उसको एक्टिंग करने का कोई सिखाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है और ना ही उसे ऑडियंस में पहचान बनाने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसको पहले से ही जानता है ऑडियंस, तो दोस्तों इसीलिए उसका फिल्म में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों शायद मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे पाया हूँ कि दोस्तों कैसे अगर फिल्म में मौका मिल जाता है, नए सिंगरों को तुरंत मौका मिल जाता है और आम इंसान को क्यों नहीं मौका मिल जाता। जैसे कि हम और आप, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, सपना बहुत इंसान देखते हैं कि मुझे फिल्म में मौका मिल जाए, तो दोस्तों आखिर क्यों नहीं मिलता है आम आदमी को और क्यों मिल जाता है सिंगरों को फिल्म में मौका काम करने का। तो शायद अब आप समझ गए होंगे आखिर क्यों मिल जाता है सिंगर को मौका फिल्म में काम करने का। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में कुछ यही जानकारी हम सोच रहे थे आप लोगों को कुछ दे। दोस्तों आज के वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज एंड कुछ सीख मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है और एक किसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।